देश को एक नई दिशा और दशा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात के केवड़िया में उद्योग के क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कई बड़ी शख्सियतों ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के केवड़िया में उद्योग 4.0 भविष्य की चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 75 ईवी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये बसें गुजरात राज्य रोड परिवहन, सूरत नगर निगम और राजकोट नगर निगम की तरफ से प्रदान की गई है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश डिजिटल क्रांति के राह पर गतिमान है और हर रोज एक नई क्रांति रच रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश डिजिटल क्रांति एवं सर्वांगी विकास की राह पर गतिमान है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिनों पहले ही 5G लॉन्च करके भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी को नई गति दी है। उसी तरह चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए हैवी इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्रीज ने देश के बड़े भारी उद्योगों को सुसज्ज बनाया है। एकता नगर केवड़िया में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में ऑटो इंडस्ट्री क्षेत्र में इंडस्ट्रीज 4.0 के विषय में पैनल डिस्कशन भी आयोजित हुए हैं। इस निष्कर्ष से इस सेक्टर को नया बल प्राप्त होगा। राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि आज भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार सभी के लिए समावेशी विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है। भारत आज एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। 21वीं शताब्दी में जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और जो एडवांसमेंट है, इनोवेशन का जो समय है, इसमें आप सब खुद ही अवगत हैं कि लगभग इसमें हम यह मैन्युफैक्चरिंग फील्ड भारत की जीडीपी में 16-17% का योगदान करती है। हम मैन्युफैक्चरिंग के लोग भारत के लगभग 3% सर्विस सेक्टर को सपोर्ट देते हैं और इस क्षेत्र में और इस सुदृढ़ तथा सरकार का प्रयत्न है और समावेशी विकास हासिल करना एक मुख्य हमारा विजन है और मुख्य विजन के साथ हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं। भारत आज एक ऊर्जावान देश है। सबसे ऊर्जा युवा आबादी आज हमारी सबसे बड़ी सामर्थ्य है। पूंजीगत वस्तु योजना में प्रौद्योगिकी विकास और विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई पहले की गई हैं। पूंजीगत वस्तु योजना में दूसरे चरण के लिए 1,207 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है। मोदी सरकार ने भारत को तकनीकी रूप से सशक्त और दुनिया का विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए अहम सुधारों और प्रोत्साहन पर काम किया है। भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाने में उद्योग और उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्योग 4.0 राष्ट्रीय सम्मेलन के माध्यम से उम्मीद है कि उद्योग, शैक्षणिक संस्थानों, युवा उद्यमियों और नीति निर्माताओं के बीच एक नया सामंजस्य स्थापित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।